नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ माइंस क्लोजर जस्ट ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक की 6 सदस्यीय टीम दौरा कर रही है। टीम ने सीसीएल की ढोरी और बी एंड के क्षेत्र का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने बताया कि अगले 15 दिनों में माइंस के अगल बगल में इलाकों के स्टडी करने कंसल्टेंट आकर स्टडी करेंगे। कोयला खदान के बंद होने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं, स्टडी कर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे और उस पर फ्रेमवर्क बनाकर भारत सरकार को सौंपा जाएगा। हम आगे आने वाले सालों में जो खदानें बंद हो गई या आगे आने वाले सालों में बंद होगी उनको हम कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे हम उसका पाइन क्लोजर करेंगे, इसको कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। ये सब नेशनल फ्रेमवर्क ऑन माइन क्लोजर जस्ट ट्रांजिशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी हम लोग पहली बार हुआ क्या कि पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करिए, तो पायलट प्रोजेक्ट में पूरे देश में ये कोयला उद्योग में हो रहा है, खाली कोयले इंडिया में नहीं हो रहा है, सिंगरेनी में भी, नेवली में भी। तो पूरे देश में 50 होंगे, 52 डिस्ट्रिक्ट होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।